नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील के अंतर्गत साईखेड़ा नगर उप तहसील में कोटवार संघ संगठन ने मध्य प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल करते हुए अपनी बात कही है। आपको बता दें कि साईखेड़ा नगर में कोटवार संगठन ने मध्य प्रदेश सरकार से नारे लगाते हुए चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश शासन के सामने अपनी बात रखी। साथ ही नायब तहसीलदार दिवांशु नामदेव को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार तक अपनी बात पहुँचाई गई। हमारी मांगे हैं, हमको जो शासन द्वारा भूमि दी गई है मालगुजारा द्वारा, उसका भूमि स्वामी हक चाहिए। और दूसरी मांग है हमको नियमित किया जाए, अगर नियमित करने में देरी होती तो हमको कलेक्टर रेट का वेतन मान दिया जाए, पारिश्रमिक के रूप में जो कलेक्टर रेट से पारिश्रमिक दिया जाता है वो दिया जाए। पहले भी आप लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग रखी थी क्या? हाँ मांगे रखी। क्या आश्वासन दिया था पहले? ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को। क्या आश्वासन दिया था मध्य प्रदेश सरकार? आश्वासन ये दिया था कि आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन अभी तक आपका काम नहीं। अभी तक आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मानो कि आपकी मांग अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा? हमारा निर्णय होगा 22 तारीख में हम भोपाल जाके धरना प्रदर्शन करेंगे।